नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह मैं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाने से पहले चलिए जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। टेरर फंडिंग के मामले में नईम ब्रदर्स एंड सन्स के अलग अलग प्रतिष्ठानों पर एटीएस ने की जांच, कुछ लोगों को भी लिया गिरफ्त में। पर्यटन के क्षेत्र में विकसित होगा गोरखपुर, योजना के संबंध में जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन ने दी विस्तृत जानकारी। भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शना सिंह ने कहा, 2019 लोकसभा चुनाव में महिला मोर्चा की होगी अहम भूमिका। मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने की समीक्षा, कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। 81 सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित कर दी गई विदाई। रिटायर शिक्षकों के सम्मान में भेदभाव का आरोप लगाकर शिक्षणेतर संघ ने दिया धरना। जिला विद्यालय निरीक्षक ने कहा, सम्मान में नहीं होगा भेदभाव। निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति संघ के सदस्यों ने बेचा चाय पकौड़ा। हनुमान जयंती के अवसर पर डीहराज मंदिर आयनगर से निकाली गई भव्य पद यात्रा। पटेश्वरी मंडी साहबगंज में 50 साल पुराना पेड़ आधी में गिरा, सब्जी विक्रेता हुए दुखी। श्री सालासर हनुमान जयंती के अवसर पर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर साहबगंज से निकाली गई भव्य मनोकामना पूर्ण पद एवं शोभा यात्रा। श्री साईं मंदिर के स्थापना दिवस पर जजेस कंपाउंड से निकली भव्य पालकी शोभा यात्रा। हनुमान जयंती के महोत्सव पर किया गया महाप्रसाद का वितरण, प्रसाद पाकर गदगद हुए श्रद्धालु। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में सेवा हुए शिक्षकों को दी गई विदाई, समारोह में किया गया सम्मानित। और गोरखपुर क्रिकेट एसोसिएशन का जारी है मनमाना रवैया, हितों के टकराव का मामला आया सामने। बीसीसीआई के नियमों की जीसीए लगातार उड़ा रहा है धज्जियां। अब खबरें विस्तार से। गत दिनों टेरर फंडिंग के मामले में गोरखपुर के नईम ब्रदर एंड सन्स दुकान के मालिक को गिरफ्तार किया गया था। उसी के मद्देनजर शनिवार की शाम एटीएस की ओर से इनके अन्य प्रतिष्ठानों, जिसमें बलदेवा प्लाजा, सुपरमार्केट आदि शामिल हैं, में सघन चेकिंग अभियान किया गया, जिसका नेतृत्व एटीएस के इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा और पंकज रस्तोगी ने संयुक्त रूप से किया। एटीएस की पूरी टीम में कुल 11 पुलिसकर्मी शामिल थे और साथ ही गोरखपुर की स्थानीय पुलिस का भी सहयोग एटीएस ने लिया। एटीएस ने इस बाबत जानकारी के लिए कई लोगों को अपनी गिरफ्त में भी लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। वहाँ भी नहीं है, घर पे भी नहीं है, सीधा लेके गए Thank you.
शासन की मंशा के अनुरूप गोरखपुर को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत गोरखनाथ मंदिर में साउंड एंड लाइट सिस्टम के लिए शासन द्वारा धन अवमुक्त हो चुका है। मंदिर परिसर में ही श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए 200 कमरों का विश्रामालय बनाया जा रहा है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेय ने इस योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया। जानते हैं इसी क्षेत्र पे गोरखनाथ मंदिर तो काफी प्राचीन मंदिर है, पुरातत्व मंदिर है। उसी के अनुरक्षण के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज उत्तर प्रदेश सरकार दोनों मिलकर तमाम प्रोजेक्ट अभी ला रहे हैं। इसमें भी रिसेंटली लाइट एंड साउंड शो, जो वहाँ का जो गोरखनाथ मंदिर का जो इतिहास का जो वहाँ आने वाले दर्शक को समझाने के लिए उसके लाइट एंड साउंड शो का स्क्रिप्टिंग करते हुए, तो अभी वहाँ का तालाब है उसको व्यवस्था की जा रही है लाइट एंड साउंड शो का। वहाँ बैठ के सभी लोग बैठ के तो उसको सुनेंगे, उस पर देखेंगे उसका इतिहास क्या है। वो करीब 4 करोड़ 2 लाख में बन रही है, उसका काम प्रारंभ है लाइट एंड साउंड शो का। उसके अलावा जो वहाँ का ये तो काम तो प्रस्ताव हो गया, उसका सैंक्शन भी हो गया। कुछ काम तो प्रस्तावित है केंद्र सरकार को चला गया, पर्यटन मंत्रालय में अभी फिलहाल पेंडिंग है, तो उम्मीद है हम लोग को जल्दी मिल जाएगा। वो वहाँ जो सीजन में जो किसी खिचड़ी का फंक्शन होता है, किसी जो सीजन में जो बहुत अचानक यहाँ का यात्रीगण बढ़ जाता है, उसमें उन लोगों को रुकने के लिए व्यवस्था उतने अच्छा नहीं था। यात्री निवास वहाँ 200 बेड के यात्री निवास बनने की सुविधा है। उसके अलावा जो संत लोग भी बहुत आते हैं, संत लोगों का रुकने के लिए वहाँ का सुविधा है। उसके अलावा उन लोगों को टॉयलेट्स हैं, फिर वहाँ सोलर लाइट है, फिर वहाँ स्कैनिंग का मशीन है जो कितने लोग आते हैं उनका उसका, फिर उसके अलावा वहाँ का सीसी कैमरा सुरक्षा का दृष्टिकोण सीसी कैमरा का है, फिर वहाँ ड्रेनेज का व्यवस्था है सुविधा, और जो और अन्य सुविधा की व्यवस्था है उसका करीबन तकरीबन 44 करोड़ का जो प्रस्तावित योजना अभी केंद्र सरकार को गई है, अभी फिलहाल पेंडिंग है। उम्मीद है तो हम लोग को मिलेगा, तो फिर उसको यात्री की सुविधा के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। उस पर पार्किंग, गाड़ी का पार्किंग का भी व्यवस्था के लिए हम लोग अलग जो सुविधा कराया गया है, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन को भी अलग सुविधा कराया गया है। मान लीजिए तो किस समय 5 लाख 10 लाख यहाँ जो ग्राहक आते हैं, जो उन लोग प्राप्ति लोग आते हैं, तो उन लोगों का तो दर्शन कराने के लिए सुविधा बढ़ाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। उनका रोशनी बढ़ाने के लिए वहाँ सोलर का लाइटिंग और असल शौचालय और इत्यादि की व्यवस्था हो रही है, वो भी काम अभी चालू है। 25 मार्च में अभी तो ये एक अच्छा पहल हुआ है, हम लोग यहाँ से बोइंग एयरपोर्ट बोइंग वाहन है जो 190 कैपेसिटी का जो स्पाइस जेट का जो फ्लाइट है दिल्ली टू गोरखपुर डेली रवाना हो गया अभी। उसी वजह तो उसका रेट तो अचानक घट गया था, पहले तो कहीं कहीं 15,000-20,000 तक एक टिकट चल रही थी, अभी तो 2,000-3,000 के बीच में आपको आराम से यहाँ जो भी आ सकते हैं यहाँ कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ जो नज़दीक में जो हम लोग का जो यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के लिए प्रस्ताव था कुशीनगर में, वो भी प्रारंभ हो रही है यहाँ। उसके साथ साथ हम लोग यहाँ 500 एकड़ जो 5 एकड़ तरस रहे हैं जो एयरपोर्ट के पास जो एक्सपेंशन के लिए, ताकि तो यहाँ जो फिलहाल इसका एप्रॉन कहते हैं जो कहाँ एयरपोर्ट में जो साधन खड़ा करने की जगह है, वो फिलहाल एक ही फ्लाइट खड़ा होने की जगह है। उसका एक्सपेंशन के लिए फिलहाल हम लोग DGCA से अनुमति मिल गया है, एयरफोर्स से भी अनुमति मिल गया है, वो जगह आसपास हम ढूंढ रहे हैं, वो जगह मिल जाएगा तो ये यहाँ हम लोग एयरपोर्ट एक्सपेंड करेंगे। पर्यटन दृष्टि में जो इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स आता है, इंटरनेशनल जो टूरिस्ट आता है, उन लोग सीधे सीधे दिल्ली से नहीं तो विदेश कंट्री से सीधे गोरखपुर लैंड कर सकते हैं, फिर यहाँ से बुद्धिस्ट सर्किट आराम से शुरू कर सकते हैं। तो साथ साथ उसके आसपास जो यहाँ जो गोरखनाथ मंदिर में जो सुविधा बढ़ा है, उसी वजह उन लोग ये गोरखनाथ मंदिर को भी दर्शन कर सकते हैं, यहाँ रुक सकते हैं, और भी सुविधा के हिसाब से उन लोग यहाँ भी 1-2 दिन ठहरने के बाद फिर अपने बुद्धिस्ट सर्किट में जोड़ सकते हैं। ये योजना हम लोग पाइपलाइन में वो भी प्रारंभ कर सकते हैं। देखिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जो कुछ लोग देने के लिए तैयार है, हम कोशिश कर रहे हैं जो बजट होटल्स हैं, जो बड़े बड़े जैसे लेमन ट्री, ऑरेंज और छोटे छोटे होटल्स होता है, उन लोग बजटेड होटल कहते हैं उसका, उन लोग का विंग आने के लिए भी यहाँ तैयार है। ज़्यादातर उन लोग जमीन मांग रहे थे, यहाँ जमीन का व्यवस्था करा रहे हैं। यहाँ तो कम से कम 200
एकड़ जमीन का डिमांड है तमाम विभिन्न योजना के निवेश करने के लिए, साथ साथ होटल इंडस्ट्री भी वृद्धि करने के लिए यहाँ जगह मांग रहे हैं। जो प्राइवेट कारपोरेट इंडस्ट्रीज यहाँ तो पूरा सहयोग कर रही थी, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं तो उन लोग को जल्दी एक होटल इंडस्ट्री के लिए एक पैकेट आइडेंटिफाई करा के उपलब्ध करा देंगे ताकि फॉरेन टूरिस्ट आएंगे तो उन लोग आराम से ठहर सकते। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा दर्शना सिंह ने आज स्टेशन रोड स्थित एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि संगठन का विस्तार किया जाएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में महिला मोर्चा की अहम भूमिका होने वाली है, संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की पक्षधर है और आने वाले 2019 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए पार्टी नेतृत्व से बात करेगी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्षा दर्शना सिंह ने कहा, ये बैठक जब मैं महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनी पूरे क्षेत्रीय क्षेत्रीय बैठकें थी, चूँकि यहाँ पे उपचुनाव था उसमें मैं आई भी थी लेकिन क्षेत्रीय बैठक हो नहीं पाई थी। संगठन के दृष्टिकोण से ये हमारी पहली बैठक है महिला मोर्चा जी की। एक बात क्लाइंट कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी हारता नहीं है, या तो जीतता है या तो सीखता है। इसमें बहुत सारी बातें हमारी समाहित हो जाती हैं। 2019 की तैयारी को लेकर मैं कहूँ कि बूथ स्तर तक महिला मोर्चा को मजबूत बनाने का काम मुझे करना है और हमारी बहनें बहुत ऊर्जावान हैं और बूथ स्तर तक जब टीम मजबूत होगी तो 2019 में इसका रिजल्ट अच्छा है। अगर मुख्यमंत्री जी की बात अगर करें तो मुख्यमंत्री जी के कौन से भाई बहन या कौन सा परिवार का सदस्य उनके साथ रहता है या उन्होंने किसी के लिए कुछ कर रखा है? ये तो एकदम स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी के लोगों को आप देखेंगे परिवारवाद का एक बहुत बड़ा स्पष्ट उदाहरण हमारे सामने है। वो इस तरह का आरोप नहीं है, चुनौती हम उनके सामने हैं क्योंकि गठबंधन का सहारा उनको लेना पड़ रहा है इस तरह से कि हमसे डर के वो इतने सारे लोग एक महागठबंधन बनाने की बात कर रहे हैं। निकल हमें के जो रिजल्ट थे पक्ष में नहीं, मैंने बताया कि वो हमारे लोगों का आत्मविश्वास प्रतीक्षा इसकी वजह से ये रिजल्ट हमारे पक्ष में। और जहाँ भी इस तरह की कमियाँ रह गई आगे हम उसकी समीक्षा करके उन कमियों को दूर करने की कोशिश करें। देखिए सरकार बहुत ईमानदारी से काम कर रही है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है ये, और जब भी कुछ अच्छा काम होता है तो तमाम तरह के आरोप भी आते हैं। जब लोग ये समझेंगे कि ये सरकार उन्हीं के लिए काम कर रही है तो वो इस तरह का विरोध प्रदर्शन होगा। देखिए महिलाओं की बाहर है जहाँ भी हमारी सक्रिय बहने नेतृत्व में 33% का आरक्षण संगठन में दे रखा है और जहाँ भी उनकी उचित भागीदारी की बात आती है तो वो उनके ध्यान में रहता है। महिलाओं को सबसे ज़्यादा सम्मान देने का काम और सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी। संगठन को विस्तार को लेकर क्या है आपके, महिला मोर्चा के संगठन के विस्तार को लेकर कोई योजना है आपकी? हाँ, अभी नई टीम का गठन जल्दी होने वाला है और उसके बाद टीम गठन के बाद काम तो पहले भी महिला मोर्चा की बहनें हमारी बहुत करती हैं लेकिन उसमें जब नई टीम का गठन हो जाएगा तो नई ऊर्जा के साथ सारे काम शुरू होंगे। बूथ स्तर महिला मोर्चा को मजबूत बनाना है योजना के साथ। लेकिन मैंने कहा कि नेतृत्व के निगाह में है भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है कि जिसने 33% का आरक्षण संगठन में दे रखा है, जहाँ भी उचित समायोजन या भागीदारी की बात आएगी महिलाओं को तो महिलाओं को आगे करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, हमारा नेतृत्व करता है। इसके लिए हमें बहुत सोचने और कहने की जरूरत है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 अप्रैल को दोपहर में पिपराइच में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करेंगे। जेई एएस के विरुद्ध दस्तक अभियान की शुरुआत करेंगे और मलिन बस्ती सुभाष नगर में साफ सफाई का भी निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा सीएससी पिपराइच में जेई टीकाकरण का शुभारंभ करेंगे। ये जानकारी देते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज में हेलीकॉप्टर से उतरेंगे।
वहां पिपराइच कैंपियरगंज चौरी चौरा की 12 सड़कों का शिलान्यास भी करेंगे। वे दस्तक अभियान के प्रचार प्रसार के लिए 45 और स्कूल चलो अभियान के लिए 5 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, साथ ही जनसभा को संबोधित भी करेंगे। जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक गणेश साह को निर्देश दिया है कि सभी कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएं। डीएम ने नगर आयुक्त को भी निर्देश दिया है कि नगर निगम क्षेत्र में भी दस्तक अभियान संचालित करवाया जाए। बैठक में CDO अनु सिंह, ADM रजनीश चंद्र, ADM प्रशासन प्रभुनाथ, डॉक्टर रविंद्र कुमार, डॉक्टर गणेश राम सागरपति त्रिपाठी, विवेक श्रीवास्तव एवं विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। वहाँ से जो 500 मीटर होगा जो मरीन तक एक तो सर रास्ते मंदिर के सामने गाड़ियाँ सारी रूट नहीं पाएंगे, मैक्सिमम नहीं पाएंगे, लेकिन जो अभी ट्रेन का है तो पैदल ही जाएंगे। वहाँ से करीब आधा वहाँ तो पैदल ही आधा और या 1 किलोमीटर अंदर पैदल जाएंगे। तो हमारे वाली रिंग क्लोज रिंग रेगुलर एनर्जी फिर वहाँ से लौटी जाना, फिर वहाँ कार्यक्रम होने के बाद एक मामला बनती है कि बाय रोड अगर कहीं इच्छा पत्र हो गया था तो बाय रोड हो जाएगा सर, 5 बाजार वगैरह हो जाएगा, उनका भी अल्टरनेट फ्यूचर लग गई है, वरना सर फिर वही मंच पे है और सूची अभी पहले करा के दे रहे हैं, उसके अलावा किसी को आपको नहीं करना। मंच पे आपको भी लगा रेडियम सर मिला था, रेट बनाया था सर, 30 लोगों के लिए मंच पर जाने के लिए तो कहा गया था, तो फिर 20 बाई 32 का मैंने मंच पर लिया है, 20 बाई 32 कितने रो बैठ कितने रो आएगा, दो रो 15 में थोड़ा मजबूत बनाओ उसको पर्सनली देखना, मान लो 30 मतलब 50 लोग के हिसाब से 100 भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी कम से साइज मेरे 30 का हमको बनाया था, मैं 40 पसंद लगा हूं, तो मेरे जो भी बीसी लग गया किसी भी आ गया मतलब आ रहा है कुछ आया है कुछ और आ रहा है। बाकी जगह जगह पर बोरिंग बैनर लगता है, कहाँ लगी है सर वो लग जाए। शनिवार को महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के सभागार में सेवानिवृत्त हुए 81 शिक्षकों को विदाई देकर उन्हें सम्मानित किया गया। प्रादेशिक मंत्री उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के यशवंत सिंह ने सेवानिवृत्त शिक्षकों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। विदाई समारोह में प्रधानाचार्य महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के OP सिंह, ADIO JN सिंह, SDIOS गोरखपुर OD सिंह, शिक्षिका DAV बालिका इंटर कॉलेज की रीता श्रीवास्तव सहित विद्यालय के समस्त शिक्षक गण मौजूद रहे। सिंह साहब तथा आज इस भावभीनी अमनिया इंटर कॉलेज के आवे और 2 मिनट में इस सम्मान समारोह इस पहली पंक्ति में आपकी स्वागत अभिनंदन की समय समय इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, इनका भी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। समारोह है
और मैं धन्यवाद ज्ञापन करूँगी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ का, सभी पदाधिकारियों का, अध्यक्ष मंत्री मंडलीय मंत्रियों का, कि आप सभी मुझे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रादेशिक मंत्री उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ यशवंत सिंह ने कहा, यहाँ की जो परंपरा पड़ी हुई है कि शिक्षक सम्मान समारोह शिक्षक के अंतिम पदाधिवस के दिन होता है, इसमें शिक्षा विभाग के सारे कर्मचारी अधिकारी और संगठन के लोगों का सहयोग है, विद्यालय का सहयोग है कि समय से फाइल आ जाती है। और प्रदेश में ये पहला जनपद है कि जहाँ 10 साल से 100% GPF और पेंशन के प्रकरण निस्तारित होते हैं, इसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रबंधक और कर्मचारी सभी बधाई के पात्र हैं और इस समारोह में सभी का हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षेत्तर संघ के पदाधिकारियों ने शिक्षकों के सेवानिवृत्ति के बाद सम्मान समारोह में भेदभाव का आरोप लगाया है, जिसको लेकर संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षेत्तर संघ, जिंदाबाद जिंदाबाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षेत्तर संघ, जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अपने अंदर आग जलानी पड़ेगी। कहा गया है कि उसूलों पे चाहे तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। वह कम है, हम कर्मचारियों का अपमान नहीं होने देंगे। अगर आप सदन से डरते हो तो हम सड़क पे खड़ा कर देंगे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संघ के जिला अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने कहा कि शिक्षकों के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां 82 शिक्षकों का सेवानिवृत्ति के बाद सम्मान किया जा रहा है, वहीं शिक्षणेतर संघ के शिक्षकों को उसमें शामिल नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेतर संगठन को इसलिए देना पड़ रहा है कि 31 मार्च 2018 को जो अध्यापक प्रधानाचार्य रिटायर हो रहे हैं आज के दिन, उनको जिला विद्यालय निरीक्षक उनका GPF पेंशन आज सभी देवकों का आदेश बना करके महात्मा गांधी इंटरकालीन बुला करके माला चादर और साल उड़ा करके सम्मानित किए, उनका आदेश पत्र वितरित किए। लेकिन उसी विद्यालय के 76 कर्मचारी जो 31 मार्च को रिटायर हो रहे हैं, उनका न GPF पेंशन बनवाए और न उनकी सूची बनवाए और सम्मानित करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। उनको एक तो उनकी फाइल जो बाबू ही बना के लाया और खुद रिटायर हो रहा था, उसका GPF पेंशन नहीं बना और केवल चाटुकारिता में और MLC को दिखाने के लिए, शासन को दिखाने के लिए, शिक्षकों में यह दिखाने के लिए कि हम आपके प्रति जो है बहुत बड़े आपके मददगार हैं, हम आपको देखिए आपके रिटायर होने के दिन ही सारा GPF पेंशन दे दिए। लेकिन उसी विद्यालय का 76 कर्मचारी जो उसी ग्रांट से वेतन पाता है, जिसके ये अधिकारी हैं, उनके कान पे जू नहीं रेंगा। इन्होंने उन 76 कर्मचारियों को अपमानित करते हुए उनका न GPF पेंशन बनाया, न आज उनको आदेश पत्र वितरित किया। अब वह 3-4 महीने और यहाँ के जो ऑडिट टीम है उनसे धनुगाही भी कर रही है और इन हम 76 कर्मचारियों के साथ इस तरह का अन्याय किया गया। इस अन्याय के खिलाफ आज हम 76 कर्मचारियों की जनपदीय पदाधिकारियों की टीम आकस्मिक धरने पर बैठी हुई है। अगर जल्द ही 31 मार्च को 2018 को रिटायर हो रहे कर्मचारियों का पेंशन GPF बाद अगर जिला विद्यालय चक के द्वारा नहीं प्राप्त होता है तो 3 तारीख से हम जिला बंद करने का कार्य करेंगे। सम्मान हमें नहीं चाहिए, लेकिन हम अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे। इसके लिए हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और ऐसे अधिकारी के खिलाफ यह संगठन निंदा प्रस्ताव जारी करता है कि जो एक ही विद्यालय में काम कर रहे एक आदमी को GPF पेंशन और उनके भुगतान दे देता है और उसी विद्यालय में काम कर रहे 76 कर्मचारी के न GPF दिया न पेंशन दिया और न ही उनकी कोई सुनवाई की और दूसरे को फूल माला हाथ से सम्मानित करके और उस कर्मचारी को अपमानित कर रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज ने जब जिला विद्यालय निरीक्षण से बात की तो उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त हुए सभी शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। यह सब कुछ शिक्षक का आरोप है कि उनको सम्मानित नहीं किया गया है, शिक्षक संघ के हैं,
बाकी और लोगों को शिक्षकों को जो 82 की लिस्ट थी उसको सम्मानित किया गया, इनके 20-22 लोगों को सम्मानित नहीं किया गया। तो क्या कहना है आपका? नहीं, जब सम्मान किया जा रहा है, एक्चुअली परंपरा ये थी कि जो अध्यापकों का सम्मान समारोह पहले होता आया था उनका सम्मान समारोह एम जी कॉलेज में करा दिया मैंने, अभी इनका भी सम्मान करते हैं, सबके देख तैयार हो गए, अभी सबका एकदम हो गए, क्योंकि परंपरा ये रहेगी ना दूसरे की अध्यापक किया जाए। और उसके बाद में क्या होता है, ये कर्मचारियों का रिटायरमेंट एक साथ तो होता नहीं है 31 मार्च को, वो जब भी उनकी एज पूरी होती है वो उसे किसी जंगल में होता है, कहीं सर्विंग में होता है, लेकिन हाँ उनका सम्मान जरूर होगा, आज ही सम्मान दूंगा उनको, शायद देख दूंगा उनका। ब्रेक में जाने से पहले चलिए जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। टेरर फंडिंग के मामले में नईम ब्रदर्स एंड सन्स के अलग अलग प्रतिष्ठानों पर एटीएस ने की जांच, कुछ लोगों को भी लिया गिरफ्त में। पर्यटन के क्षेत्र में विकसित होगा गोरखपुर, योजना के संबंध में जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन ने दी विस्तृत जानकारी। भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शना सिंह ने कहा 2019 लोकसभा चुनाव में महिला मोर्चा की होगी अहम भूमिका। मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने की समीक्षा, कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। 81 सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित कर दी गई विदाई। रिटायर शिक्षकों के सम्मान में भेदभाव का आरोप लगाकर शिक्षणेतर संघ ने दिया धरना, जिला विद्यालय निरीक्षक ने कहा सम्मान में नहीं होगा भेदभाव। निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति संघ के सदस्यों ने बेचा चाय पकौड़ा। हनुमान जयंती के अवसर पर डीहराज मंदिर आयनगर से निकाली गई भव्य पद यात्रा। पटेश्वरी मंडी साहबगंज में 50 साल पुराना पेड़ आधी में गिरा, सब्जी विक्रेता हुए दुखी। श्री सालासर हनुमान जयंती के अवसर पर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर साहबगंज से निकाली गई भव्य मनोकामना पूर्ण पद एवं शोभा यात्रा। श्री साईं मंदिर के स्थापना दिवस पर जजेस कंपाउंड से निकली भव्य पालकी शोभा यात्रा। हनुमान जयंती के महोत्सव पर किया गया महाप्रसाद का वितरण, प्रसाद पाकर गदगद हुए श्रद्धालु। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में सेवा हुए शिक्षकों को दी गई विदाई, समारोह में किया गया सम्मानित। और गोरखपुर क्रिकेट एसोसिएशन का जारी है मनमाना रवैया, हितों के टकराव का मामला आया सामने। बीसीसीआई के नियमों की जीसीए लगातार उड़ा रहा है धज्जियां। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। गोरखपुर न्यूज के तरफ से एक विशेष ऑफर, ऐशपुरा के शोरूम जाइए और जितने भार का सोना आप खरीदेंगे उतना ही चांदी मुफ्त पाइए। अपने आप को गोरखपुर न्यूज का दर्शक बताइए और इस विशेष ऑफर का लाभ उठाइए। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं इस बुलेटिन के अगली खबर की तरफ। शनिवार को राजकीय पॉलिटेक्निक के मुख्य गेट पर विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के सचिव ब्रजेश त्रिपाठी के नेतृत्व में भारी संख्या में विद्युत कर्मी इकट्ठा हुए और चाय पकौड़े विक्रय केंद्र का स्टॉल लगाकर विद्युत निजीकरण के विरोध में चाय और पकौड़े बेचने लगे और निजीकरण के विरोध के बारे में नारे भी लगाए।
मजेदार बात ये रही कि आने जाने वाले लोग चाय पकौड़े खरीदे भी। योगी जी अन्यथा यहाँ के देखिए लाइन लगी हुई है, लोग हाथ उठा सबके बेच रहे हैं। सरकार निजी कंपनियां आएंगी, देशी बिजली विभाग के निजीकरण का क्या हत्ती पकौड़ा हम लोग बेच कर राष्ट्रीय पुरस्कार जिताते हुए बच्चों को कहीं पढ़ाएंगे वो पकौड़ा बनाना सिखाएंगे देखिए भाई बड़ा भीड़ लग गया है, थोड़ा सवार करके देखिए 10 का 4 10 का 4। तो भाई यही सिर्फ रोजगार ही रोजगार है, लेकिन अपने जो युवा अपने मन मनसा को लेकर के बड़े बड़े स्कूलों में क्या लिए हैं कि आज हम डॉक्टर जो है पकौड़ी बना रहे हैं, ये लोग सीख करके घर घर से आ रहे हैं, घर से सीख करके आ रहे हैं, ट्रेनिंग दे करके आ रहे हैं, पकौड़ी बनाने में इनको बड़ी दिक्कत हो रही है। आपको चाय भी दी जा रही है जायकेदार, एक बार गलती भी हो सकती है, थोड़ा ठीक है देखिए इनसे फिर उसको सुधारा जाएगा। हमारे गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के ब्रजेश त्रिपाठी और सदस्य कृष्ण मोहन यादव ने कहा, आज का कार्यक्रम है कि जो भी बिजली विभाग को निजी हाथों में बेचने के कैबिनेट ने पास किया है उसकी खुशी के विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन यह सड़क पे मामला इस नाते आ गया कि एक उगी भांगी सरकार हम लोग की बातें शांतिपूर्ण तरीके से नहीं सुन रही थी। हमको जनता के बीच में आकर बताना चाहते थे कि देखिए आपका निजीकरण होते हुए हमारे जो भी युवा साथी हैं, जो भी भविष्य में आशा कर रहे हैं कि बिजली विभाग में नौकरी करेंगे पॉलिटेक्निक करके और बीटेक करके, आपको स्थिति आने वाली है कि जो भाजपा सरकार के जो नेताओं की सोच है कि हम पकौड़ा बेचवाएंगे युवाओं से, उसी को हम दर्शाना चाहते हैं कि यह समय आने वाला है क्योंकि हमारे साथ होने वाला है, कल आपके साथ होने वाला है, इसलिए हम पकौड़ा बेचने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शाह जी ने कहा था कि ये पकौड़ा बेचना सबसे अच्छी चीज है, वो भी एक रोजगार होता है, उसी रोजगार को हमने चालू किया है। हम लोग, हम सभी बिजली विभाग के कर्मचारी यहाँ सब लोग बीटेक एमटेक आईटीआई पॉलिटेक्निक बीए एमए करके हम लोग बिजली विभाग में नौकरी करते हैं और बिजली विभाग के निजीकरण के खिलाफ हम लोग का यह शांतिपूर्ण ये विरोध प्रदर्शन है प्रदेश सरकार के खिलाफ, और हम लोग मोदी जी के सपनों को दिखा रहे साकार करेंगे। अब इसी तरह सारी सरकारी विभागों को जब आप निजीकरण कर देंगे तो स्थिति हम लोग की पकौड़ा बेचने की स्थिति हो जाएगी। इस माध्यम से हम उनको बताना चाहते हैं
और उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि सरकारी विभागों को आप निजीकरण करने से रोकिए और उनको सही मार्गदर्शन में कार्य करवाइए। आज का कार्यक्रम क्या है और कहाँ था? आज का कार्यक्रम कहाँ किए हैं? आज का ये कार्यक्रम हमारे ये गोरखपुर का सबसे पुराना राजकीय पॉलिटेक्निक गोरखपुर के स्थान को हम लोगों ने चुना है, क्योंकि इस संस्थान से लाखों लड़के इंजीनियरिंग की डिग्री लेके बाहर जाते हैं और एक संदेश देना चाहते हैं, इसी तरह सारी सरकारी विभागों का निजीकरण होता रहा तो आने वाले समय में नागरिक अपने बच्चों को पढ़ाई कराना बंद करके चाय और पकौड़ा बेचने का कार्य ही सिखाएंगे। शनिवार को हनुमान जयंती के पर्व पर कार्यक्रम के संचालक वरुण चौरसिया के नेतृत्व में श्री श्री डिहराज मंदिर आर्य नगर कुर्मियाना टोला से मनोकामना भव्य पद यात्रा निकाली गई। भव्य यात्रा में ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, महानगर अध्यक्ष बीजेपी के राहुल श्रीवास्तव, पूर्व पार्षद राजेश जायसवाल सहित स्थानीय पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल रहे। पुत्र हनुमान की बात करते हुए संयोजक वरुण चौरसिया और महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव ने कहा, यह प्राचीन डिहराज का मंदिर है, अलीनगर का सबसे प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर दक्षिणावर्त लाल हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है, उसी की याद में पूरे मोहल्लेवासी हनुमान जी महाराज को याद करते हुए नगाड़े के धुन पे, बैंड की सुमधुर धुन, घोड़ों की थाप, सहनाइयों के बीच में अपने पूरे उत्साह के साथ बजरंगबली के लोग जैसे कोल, भील, भालू, बानर, पूरे मोहल्लेवासी अदम्य उत्साह से इस यात्रा को निकालते हैं। इस यात्रा को निकालने का मकसद सामाजिक समरसता का होता है, जिसमें समाज के सभी वर्ग, अंतिम से अंत जो हनुमान जी की व्याख्या है, समाज का कोल, भील, भालू, बानर सब लोग एक साथ इकट्ठा होकर, अगड़े पिछड़े सारे इकट्ठे होकर बजरंगबली के नारा लगाते हुए
अपने मनोकामना को मानते हुए दक्षिणावर्त हनुमान जी को साक्षी मानते हुए अपने इष्ट देवता के लिए पदयात्रा करते हैं। और यह पदयात्रा यहाँ से मुरारका मिल चौक, आर्यनगर चौक, दीवान बाजार चौक, दुर्गाबाड़ी चौक होते हुए पुनः अपने घर में आती है और यहाँ पे पुनः हनुमान जी पुनः अपने मंदिर में स्थापित होते हैं। यहाँ पे हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधि, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जी, माननीय हम लोग के लोकप्रिय अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव जी के मार्गदर्शन में यह यात्रा प्रारंभ होने जा रही है। अजय जी क्या कहेंगे आप इस यात्रा पर? अभी ये राजा बाबा का भगवान आज हनुमान जी की जयंती है, इस अवसर पे जो सामाजिक समस्या का संदेश हमारे इष्ट देव ने दिया है उसी के उपलक्ष्य में आज इष्टदेव के जयंती के उपलक्ष्य में आज हम सभी यहाँ पे जुलूस का जो प्रारंभ कर रहे हैं, फिर जैसे विभिन्न मार्गों को हमारे वरुण चौरसिया जी ने बताया है बोलते हुए फिर यहाँ पर आएगी समापन होगा, प्रसाद का वितरण होगा। निश्चित तौर पे ईश्वर समाज की जो स्थापना का संदेश हमें मिलता है, हमें निश्चित तौर पे सनातन धर्म की हमारी जो परंपरा है उसके अनुसार ये। शुक्रवार की शाम अचानक आंधी ने जहाँ मौसम में बदलाव लाया तो कहीं पुराने पेड़ों को भी भारी नुकसान पहुंचा। पटेश्वरी मंडी साहबगंज में आंधी ने लगभग 50 वर्षों पुराना एक पेड़ उखाड़ दिया और वह पेड़ मंडी परिसर में ही गिर गया। हालांकि इस घटना से किसी प्रकार की कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मंडी परिसर में सब्जी विक्रेता बहुत ही दुखी दिखे। ग्रुप न्यूज से बात करते हुए सब्जी विक्रेता ने कहा, के 50 साल के लगभग पुराना पेड़ था। हम लोग यहाँ इसके नीचे बेचते थे सब्जी बेचते हम लोग कल 5 बजे तक आंधी आया, अपने आप ढह गया, हम लोग को बेचने में दिक्कत हो रहा है। पटेसरी सब्जी मंडी पटेसरी साहब में हमारा दुकान 25 साल हो गया लगाते, 25 साल से ऊपर हो गया लगाते। शनिवार को श्री सालासर हनुमान जयंती के अवसर पर श्री श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर साहबगंज से महावीर हनुमान जी की बैंड बाजे के साथ और जयकारे के साथ उद्घोष के साथ भव्य मनोकामना पूर्ण पद शोभा यात्रा निकाली गई। मनोकामना पूर्ण पद यात्रा में महिला और बच्चे भी हाथों में झंडे लिए और जयकारे के साथ पूरे भक्ति भावना के साथ पद यात्रा में शामिल हुए। भजन गायक नंदू मिश्रा भी भजन गाकर महावीर हनुमान जी की आराधना की। इस मौके पर पदयात्रा में महापौर सीताराम जायसवाल, विधायक सदर राधा मोहनदास अग्रवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, पूर्व महापौर सत्या पांडे सहित समिति के सदस्य और महावीर भक्त फूलों से सजे रथ पर सवार महावीर हनुमान जी की आरती किए और जयकारे के साथ मनोकामना पूर्ण पद यात्रा को आगे बढ़ाया। पद यात्रा श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर साहबगंज से आरंभ होकर चौरहिया गोला, बख्शीपुर, नखास, रेती, घंटाघर होते हुए श्री हनुमान गढ़ी मंदिर पर समाप्त हो गई। Amen.
लागे नहीं पाई। दिमागी बुखार का सीधा संबंध गंदगी से होता है, इसीलिए कहते हैं सफैया कराए भैया, सफैया कराए भैया, न तो पड़ी जाइबा बीमार, सफैया कराए भैया, चल बटनावे की बीमारी, नावे की बीमारी हो, नावे की बीमारी हो भैया, चल बटनावे की बीमारी, नावे की बीमारी हो, नावे की बीमारी, कर बस सफाई न त पड़ी जाई भारी, कर बस सफाई न त पड़ी जाई भारी, बतिया मानाए भैया की बतिया मानाए भैया, ना तो बड़ी गई बीमार सफैया कराए भैया, yeah.
बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने कहा, अरे आराध्य है सर, रुक जाते हैं भजंगबली उनकी जो है पूजा करते हैं, उसके बाद जुलूस निकालते हैं, इस पर हम पूरे गोरखपुर शहरवासियों को ढेर सारी शुभकामना देते हैं। भगवान भजरंगबली सबको सुखी रखते हैं, सुख समृद्धि है, ये सब कामना। जजेस कंपाउंड स्थित श्री साई मंदिर के स्थापना दिवस पर एक भव्य पालकी शोभा यात्रा मंदिर परिसर से निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में साईं भक्त शामिल हुए। शोभा यात्रा में घोड़ा, रथ, बैंड बाजे के साथ साईं भक्त भगवान की पालकी लेकर नाचते झूमते चल रहे थे और पुष्प की वर्षा भी कर रहे थे। इस दौरान लोगों को प्रसाद वितरण भी किया जा रहा था। शोभा यात्रा में पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे, रंजना सिन्हा, डॉक्टर मणिरंजन सिन्हा, मंदिर के पुजारी सत्यप्रकाश तिवारी सहित भारी संख्या में भक्त शामिल रहे। करते हुए पूर्व महापौर सत्या पांडे और मंदिर के पुजारी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया, आज साईं बाबा का स्थापना दिवस के दिन आज
उनकी पालकी निकली है। मैं उनको शत-शत नमन करती हूँ उनकी शोभा यात्रा का, और जिस तरह शान से और बहुत ही अच्छे तरह से उनका रथ निकल रहा है, भक्त निकाल रहे हैं, मैं उनसे यही आशीष मांगती हूँ कि सभी भक्तों को सद्बुद्धि दें और सभी यशस्वी शोभा यात्रा। क्या उद्देश्य है बस बाबा का नाम हो और क्या कह सकते हैं, बस समाधि उत्सव चला 100 साल का, उनका 100 साल होने जा रहा है, अक्टूबर में हो जाएगा, टीसी प्लस में हमें निकाले, कहाँ से निकाले, कहाँ तक जाएंगे? ये साईं मंदिर से निकलेगा और ये आपका अम्बेडकर चौराहे होते हुए आपका जिला पंचायत टाउन हॉल शास्त्री चौक होते हुए फिर मंदिर। क्या नाम आपका? सत्य प्रकाश तिवारी। शनिवार को हनुमान जयंती महोत्सव के अवसर पर शहर के विभिन्न हनुमान मंदिरों में इस जयंती का आयोजन किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत हनुमान जयंती महोत्सव समिति आर्य नगर के तत्वावधान में महाप्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद पाया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आयोजन समिति के अध्यक्ष शिशिर पांडे ने बताया, कार्यक्रम ये कई सालों से चल रहा है और चूंकि रुद्र के 11वें अवतार हनुमान जी की आज जयंती है, सुबह सुबह 6 बजे जो है उनकी पैदाइशी की जयंती मनाई जाती है और वो हम लोग लगभग दिन भर चलाते हैं। ये पूरा आर्य नगर मोहल्ले के तरफ से जो है छोटे बड़े भाइयों के सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न होता है, तो आर्य नगर निवासी जो है। शनिवार को महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के बलरामपुर हॉल में सेवानिवृत्त हुए 3 शिक्षकों को विदाई देकर सम्मानित किया गया। सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों में नंदेश्वर साही वाणिज्य प्रवक्ता, ओपी त्रिपाठी प्रवक्ता अंग्रेजी और एमपी कौशिक प्रवक्ता नागरिक शास्त्र के सम्मान में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रादेशिक मंत्री उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ यशवंत सिंह, प्रधानाचार्य महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, डॉक्टर संजय सिंह, प्रधानाचार्य मारवाड़ इंटर कॉलेज के रामनाथ गुप्ता सहित अन्य विद्यालय के शिक्षकगण मौजूद रहे। आपसे अपेक्षा बात करते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने बताया, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के कर्मचारी कल्याण कोष द्वारा आयोजित यह सम्मान समारोह हमारे 3 वरिष्ठ शिक्षक साथियों के सेवानिवृत्त के उपलक्ष्य में था, जिसमें श्री नंदेश्वर साही जी प्रवक्ता वाणिज्य, श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी जी प्रवक्ता अंग्रेजी और श्री महेंद्र कुमार कौशिक जी प्रवक्ता नागरिक शास्त्र आज सेवानिवृत्त हुए। आज विद्यालय परिवार के दायित्व से निवृत्त होकर के सामाजिक दायित्व को अपने जीवंतता से जीवित बनाए रखेंगे। गोरखपुर क्रिकेट एसोसिएशन अपने नए नए कारनामों के लिए हमेशा खबरों की सुर्खियों में छाया हुआ है। अभी कुछ ही दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के मैदान पर गोरखपुर क्रिकेट लीग के फाइनल मैच में ब्लैक साइड स्क्रीन के साथ लाल रंग की गेंद का बेमेल प्रयोग हुआ। अब एक नया मामला सामने आया है। सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज का मैदान, जो कि वहाँ के प्रधानाचार्य जेके लाल के द्वारा गोरखपुर क्रिकेट एसोसिएशन को दिया गया है, लेकिन वहां पर लगातार आतिफ क्रिकेट एकेडमी की टीम प्रैक्टिस करती है, जिसके कोच हैं परवेज हसन खान। यहां पर हम आपको बताते चलें कि यह हितों का टकराव का मामला है, जो राष्ट्रीय स्तर पर बीसीसीआई के सामने भी आ चुका है, जिसमें चेन्नई सुपर किंग के मालिक बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन को हटा भी दिया गया था। इस संबंध में आपको बताते चलें कि इसी क्रिकेट ग्राउंड पर उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अंतर्गत इसी ग्राउंड पर कई ट्रायल हो रहे हैं और ये ट्रायल लेने वाले आतिफ क्रिकेट एकेडमी के परवेज हसन
चूंकि उस टीम के कोच भी हैं और ट्रायल के मुख्य चयनकर्ता भी हैं, बस यहीं से शुरुआत होती है हितों के टकराव वाली पूरी कहानी की। इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। गोरखपुर क्रिकेट एसोसिएशन लगातार अपनी मनमानी कर रहा है। चूंकि गोरखपुर सीएम सिटी भी है, इसके बावजूद भी जीसीए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता दिखाई दे रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ऑल इंडिया क्रिकेट संघर्ष समिति के संयोजक सुनील राणा ने पूरी बात बताई। केवल यूपीसीए की गाइडलाइन, बीसीसीआई की गाइडलाइन है कि कोई भी कोच ट्रायल नहीं ले सकता है। परवेज हसन खुद आतिप एकेडमी में कोच हैं, वो ट्रायल कैसे ले रहे हैं? उसके साथ जितने लोग हैं लगभग कहीं कहीं जुड़े हुए हैं, यह एक बहुत बड़ा मामला है। और दूसरी चीज, एक प्राइवेट एकेडमी चल रही है, जो उस पर ट्रायल कैसे हो रहा है? आतिप एकेडमी जो चलती है वो जीसीए ग्राउंड पे चलती है, वहाँ ट्रायल कैसे हो सकता है? आप टीएन मेमोरियल में कैसे हो सकती है जहाँ वो प्राइवेट एकेडमी है? आप एसपी एकेडमी जो है इंटर कॉलेज बस्ती में हो रहा है, वहाँ कैसे हो सकता है? दूसरी चीज़, प्राइवेट कोचेज कैसे ले सकते हैं? ये हमारे बीसीसीआई और यूपीसीए का गाइडलाइन है। पहले हमने जो है शुरू किया है, मैं गया था लेकिन परमिशन हमें 2 तारीख को बुलाया गया मिलेगा, और हम 4 तारीख से फिर धरना देंगे। 6 तारीख को गोरखपुर में हम रैली निकालेंगे, इसके बाद हम कानपुर की तरफ बढ़ेंगे। कमला नगर में जो यूपीसीए का दफ्तर है उस पर धरना देंगे, क्योंकि यूपीसीए यदि एक्शन नहीं लेती है, हमारी बातों को दरकिनार कर रही है, तो कहीं कहीं यूपीसीए भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसलिए मैं वहाँ से लेकर के मैं बीसीसीआई के बानखेड़े स्टेडियम तक विनोद राय जी जो सीओई के हैं, प्रमुख हैं, मैं उनके तक ले जाऊँगा। ये जीएन तिवारी 37 साल से कैसे बैठे हैं, जबकि 2 कार्यकाल के बाद हट जाना चाहिए। शफीक सिद्दीकी कैसे बैठे हुए हैं, पूरा गोरखपुर क्रिकेट संघ 37 सालों से बैठा हुआ है, ये कैसे बैठा रह सकता है? जब लोढ़ा कमेटी ने लागू कर दिया, इन्हें तो भंग हो जाना चाहिए अपने आप। इनको बचने का कोई राइट अधिकार है नहीं, काम करने का कोई अधिकार नहीं है। ये बताइए, अभी अभी एक घटना आपको बता दूं, एक मैच हो रहा था गोरखपुर के जीसीए के तत्वावधान में, और वह मैच एक लड़के को बैन करके क्वार्टर फाइनल रोक दिया गया, वह टीम लक्ष्य है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर किस बेस पे उस लड़के को बैन किया गया? यदि बैन किया गया तो कोई चीज़ आप लिखित में दीजिए तो, लेकिन आप कोई लिखित में नहीं देते हैं।
केवल आप अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाना था आदिब को, वो आपने काम कर दिया। तो मैं ये सभी मुद्दों को लेकर के, जितने मुद्दे हैं हम लेकर के पूरी तरह से उतरने जा रहा हूं। चलने के पहले चलिए जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। टेरर फंडिंग के मामले में नईम ब्रदर्स एंड सन्स के अलग अलग प्रतिष्ठानों पर एटीएस ने की जांच, कुछ लोगों को भी लिया गिरफ्त में। पर्यटन के क्षेत्र में विकसित होगा गोरखपुर, योजना के संबंध में जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन ने दी विस्तृत जानकारी। भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शना सिंह ने कहा 2019 लोकसभा चुनाव में महिला मोर्चा की होगी अहम भूमिका। मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने की समीक्षा, कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। 81 सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित कर दी गई विदाई। रिटायर शिक्षकों के सम्मान में भेदभाव का आरोप लगाकर शिक्षणेतर संघ ने दिया धरना, जिला विद्यालय निरीक्षक ने कहा सम्मान में नहीं होगा भेदभाव। निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति संघ के सदस्यों ने बेचा चाय पकौड़ा। हनुमान जयंती के अवसर पर डीहराज मंदिर आयनगर से निकाली गई भव्य पद यात्रा। पटेश्वरी मंडी साहबगंज में 50 साल पुराना पेड़ आधी में गिरा, सब्जी विक्रेता हुए दुखी। श्री सालासर हनुमान जयंती के अवसर पर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर साहबगंज से निकाली गई भव्य मनोकामना पूर्ण पद एवं शोभा यात्रा। श्री साईं मंदिर के स्थापना दिवस पर जजेस कंपाउंड से निकली भव्य पालकी शोभा यात्रा। हनुमान जयंती के महोत्सव पर किया गया महाप्रसाद का वितरण, प्रसाद पाकर गदगद हुए श्रद्धालु। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में सेवा हुए शिक्षकों को दी गई विदाई, समारोह में किया गया सम्मानित। और गोरखपुर क्रिकेट एसोसिएशन का जारी है मनमाना रवैया, हितों के टकराव का मामला आया सामने। बीसीसीआई के नियमों की जीसीए लगातार उड़ा रहा है धज्जियां। इस बुलेटिन में बस इतना ही, तो अगले बुलेटिन तक के लिए कीजिए इंतजार और देखते रहिए गोरखपुर न्यूज, न्यूज बिफोर हेडलाइन। नमस्कार।